आज जो पिछले वीडियो हमने पढ़े थे और पिछले वीडियो में जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें देखा होगा कि जो चौथा आपका पांचवा चैप्टर था और उसके बाद में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल विषय के अंतर्गत और वो हमारा चैप्टर है विश्व भूगोल अध्याय नंबर 8 और पाठ का नाम है आपके प्राथमिक व्यवसाय। अब इसमें आपको देखना सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय में कि जो प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। इस प्राथमिक व्यवसाय से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि व्यवसाय क्या चीज होती है। व्यवसाय यानी जो बिजनेस क्या चीज होती है जिसको व्यवसाय हम कह सकते हैं। तो व्यवसाय का मतलब होता है कि मनुष्य द्वारा की जाने वाली वह सभी गतिविधियां जिससे आय में वृद्धि होती है या आर्थिक वृद्धि होती है उसे कहा जाता है व्यवसाय। दूसरी इसकी एक परिभाषा यह दे सकते हैं हम कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले वह सभी क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य को आय की प्राप्त होती है या पूंजी प्राप्त होती है उसे कहा जाता है व्यवसाय। अब जो व्यवसाय इससे पहले जो प्राथमिक व्यवसाय इससे पहले आपको देखते हैं कि जो व्यवसाय का वर्गीकरण, तो हम दूसरा इसमें देखते हैं व्यवसाय का वर्गीकरण। तो व्यवसाय का वर्गीकरण, व्यवसाय का वर्गीकरण में आपको देखना सबसे पहले व्यवसाय का जो वर्गीकरण है यानी जो व्यवसाय है व्यवसाय को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो व्यवसाय है व्यवसाय को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपका आता है प्राथमिक व्यवसाय, लिखते जाना आप। सबसे पहले आता है प्राथमिक व्यवसाय और इसके बाद में सेकंड जो नंबर पर आता है उसको बोलते हैं द्वितीयक व्यवसाय। तो द्वितीयक व्यवसाय, उसके बाद में जो तीसरा होता है उसे कहा जाता है तृतीयक व्यवसाय। तीसरा होता है इसे कहा जाता है तृतीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय। इसके बाद में जो चौथा होता है उसको बोलते हैं चतुर्थ व्यवसाय, चतुर्थी व्यवसाय। तो अगला याद रखना आपको वो है चतुर्थ व्यवसाय, चतुर्थी व्यवसाय। इसके बाद में जो पांचवा और लास्ट होता है उसको कहते हैं पंचम व्यवसाय। तो अगला याद रखना आपको वो है पंचम व्यवसाय। तो आप एक बार पुनः देखें कि जो व्यवसाय है व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझना, एग्जाम्पल सहित आपको मैं परिभाषा सहित स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें सबसे पहला आता है इसमें प्राथमिक व्यवसाय, इसके बाद में दूसरा आता है इसमें द्वितीयक व्यवसाय, इसके बाद में तीसरा आता है वो आता है इसमें तृतीयक व्यवसाय और इसके बाद में चौथा आता है वो आता है आपके चतुर्थ व्यवसाय और इसके बाद में आता है पंचम व्यवसाय। तो व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा कौन सा होता है द्वितीयक व्यवसाय, तीसरा कौन सा होता है तृतीयक व्यवसाय, इसके बाद में चतुर्थ व्यवसाय और इसके बाद में पंचम व्यवसाय। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं और जो आपके चैप्टर का नाम ही है प्राथमिक व्यवसाय, तो इसको जानना जरूरी है। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब होता है कि वह व्यवसाय जिनका संबंध भूमि पर्यावरण और कृषि से होता है, वह क्रियाकलाप या वह व्यवसाय जिनका संबंध मुख्य रूप से भूमि पर्यावरण एवं कृषि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो उसे कहा जाता है प्राथमिक व्यवसाय। अब इसमें आपको परीक्षा में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन सी चीजें आती है या कौन कौन से एग्जाम्पल को शामिल किया जाता है। तो प्राथमिक व्यवसाय में आपको याद करना है उदाहरण, प्राथमिक व्यवसाय में जैसे उदाहरण पहला नंबर, एक नंबर याद करना आपको वो करना है आखेट। आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, यानी प्राचीन काल में मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था और जंगली जीवन जिया करता था। तो उस समय शिकार करने के बाद में अपने जो उदर पूर्ति के लिए मतलब वो कार्य करता था, प्रक्रिया होती थी, उससे कहा जाता है आखेट, जिसको शिकार कहते हैं, हंटर। अब इसके बाद में नंबर दो इसमें आप क्या रखना है वो आता है संग्रहण। नंबर दो वो आता है आपके संग्रहण। संग्रहण क्या होता है, संग्रहण का मतलब होता है कि प्राचीन काल में मनुष्य विभिन्न प्रकार की जो जंगलों में कंदमूल, इनके अलावा फल पत्तियां और इनके जो अवशेष होते थे उसको एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते थे कुछ लोग, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है संग्रहण। और ये मुख्य रूप से वर्तमान में बात की जाए तो जनजाति इस प्रकार का वर्तमान में आज भी कार्य संपन्न करती है। अब इसके बाद में नंबर तीन आपको यह रखना है वो रखना है मछली पालन।
मछली पालन, मछली पालन का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्र जो समुद्री सीमा के पास में क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आज भी और प्राचीन काल में भी क्या किया जाता था, मछली पकड़ने का कार्य किया जाता था, इसे कहा जाता है मछली पालन। अब उसके बाद में नंबर चार, नंबर चार मछली पालन के बाद में नंबर चौथे आरखना आपको इसमें वो है कृषि, नंबर चौथा वो कृषि। उसके बाद में नंबर पांच, नंबर पांच आपको याद रखना है वो है आपके पशुपालन। तो नंबर पांच याद रखना है पशुपालन। अब देखो कृषि किसे कहते हैं, पहले इस प्रक्रिया में देखते हैं तो पशुपालन पहले शुरू किया गया और जब पशु उसके पास में उपलब्ध हो गई थी तो उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, कृषि की शुरुआत की, यानी कृषि कार्य करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या उपलब्ध हो गए, पशु, और पशुओं के माध्यम से धीरे धीरे लोग क्या करने शुरू हो गए, कृषि कार्य करना शुरू हो गए। अब इसके बाद में छठा आपको याद रखना उदाहरण इसमें पशुपालन के बाद में छठा याद रखना आपको वो याद रखना है खनन, खनन। और इसके बाद में नंबर सात, देखो सबसे पहले एक नंबर आखेट, नंबर दो संग्रहण, नंबर तीन मछली पालन, उसके बाद में कृषि, इसके बाद में पशुपालन, और इसके बाद में खनन, और जो लास्ट याद आपको इसमें रखना है वो है लकड़ी काटने का कार्य। तो इसमें आपको याद रखना है लकड़ी काटना, लकड़ी काटना। तो ये आपको याद रखना है कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती है। तो आपको इसमें एक बार रिपीट कर लेते हैं वापस, सबसे पहले आता है आखेट, नंबर दो आता है संग्रह, नंबर तीन मछली पालन, नंबर चार कृषि, नंबर पांच पशुपालन, उसके बाद में खनन, और उसके बाद में लकड़ी काटने का कार्य। अब इसके बाद में यहाँ पर बात समझो, नंबर दो द्वितीयक व्यवसाय किससे कहते हैं। द्वितीयक व्यवसाय का मतलब क्या होता है, वह व्यवसाय जिन या जो व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं, जिसमें विनिर्माण उद्योग की क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, तो वो उद्योग कहलाता है कौन सा, विनिर्माण उद्योग। और विनिर्माण उद्योग किस में शामिल करते हैं, तो सेकंड क्रियाकलाप में शामिल करते हैं, सेकंड एक्टिविटीज में शामिल करते हैं। अब इसमें याद रखना आपको द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, वह व्यवसाय जो प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं, तो उसे कहा जाता है द्वितीयक व्यवसाय, और इसमें विनिर्माण उद्योगों को शामिल किया जाता है। अब इसमें देखो द्वितीयक व्यवसाय में, द्वितीयक व्यवसाय में आपको उदाहरण याद रखना है विनिर्माण, पहले से आपने बता दिया, पहला आता है इसमें विनिर्माण, विनिर्माण, और इसके बाद में दूसरा होता है वो होता है उद्योग। तो आप इसमें याद रखें विनिर्माण किसे कहते हैं, उद्योग किसे कहते हैं, किसको समझो आप, सबसे पहले विनिर्माण किसे कहते हैं, विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से बनाना, विनिर्माण का सामान्य अर्थ होता है हाथ से बनाना। अब इसमें देखो आप ध्यान रखें विनिर्माण का सामान्य अर्थ क्या होता है, हाथ से बनाना। अब इसमें दूसरा कि विनिर्माण का मतलब क्या होता है, कि जो प्राथमिक क्रिया से जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, प्राथमिक क्रिया से जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, उस उत्पादों को परिष्कृत करके जो नवीन उत्पाद तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके विनिर्माण, क्या कहा जाता है उसे, विनिर्माण कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा आता है इसमें उद्योग, उद्योग किसे कहते हैं, वह एकीकृत संस्था जिसमें 50 से 100 व्यक्ति एक साथ या संगठित रूप से कार्य करते हैं, तो वो कहलाता है इंडस्ट्री या उद्योग कह सकते हैं। अब इसके बाद में आता है तृतीय व्यवसाय, थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसमें क्या आता है, इसमें आप क्या रखना है कि तृतीय व्यवसाय क्या है, तृतीय व्यवसाय का मतलब होता है कि वह व्यवसाय जो प्राथमिक और द्वितीय पर निर्भर रहते हैं, उसे कहा जाता है तृतीयक व्यवसाय, और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान की जाती है, और सेवा प्रदान करने के कारण से जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय को कहा जाता है सेवा श्रेणी या कहा जाता है सेवा क्षेत्र। तो इसमें आप याद रखें कि वह व्यवसाय जो द्वितीयक व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं और जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, क्या प्रदान की जाती है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, तो उसे कहा जाता है तृतीयक व्यवसाय। अब इसमें आप क्या रखना है कि तृतीयक व्यवसाय के उदाहरण, तृतीयक व्यवसाय में आपको उदाहरण याद रखना है, सबसे पहले नंबर एक आप कर लेते हैं यार परिवहन, तो पहला आ जाता है इसमें परिवहन। नंबर दो इसमें याद रखना है वो याद रखना है संचार, तो नंबर दो याद रखे लोगो संचार। इसके बाद में नंबर तीन आपको याद रखना है व्यापार,
नंबर तीन व्यापार, इसके बाद में अगला याद रखना है बीमा, इसके अलावा अगला याद रखना बैंक, बीमा बैंक, इसके अलावा याद रखना चिकित्सा, चिकित्सा अगला याद रखना आपको चिकित्सा। तो इस प्रकार जितनी भी सेवाएं हैं, तो ये सेवाएं किस व्यवसाय में प्रदान की जाती है, तृतीय व्यवसाय में प्रदान की जाती है। और तृतीय व्यवसाय किसे कहते हैं, तो आप याद रखना है कि वह व्यवसाय जो द्वितीय व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की अप्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान की जाती है, इससे कहा जाता है तृतीय व्यवसाय। और तृतीय व्यवसाय में परिवहन, परिवहन किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं का भौतिक रूप से एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, तो इस गतिविधि को कहते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में आता है संचार, विभिन्न प्रकार की जो मीडिया उपकरण के माध्यम से जो संदेश होते हैं, तथ्य होते हैं, प्रेक्षण होते हैं, उसको मीडिया उपकरण के माध्यम से जो आवाजाही होती है यानी प्रदान किया जाता है, दूसरे की सेवा प्रदान की जाती है, तो उसको प्रक्रिया कहलाती है कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं संचार। अब उसके बाद है ट्रेड, व्यापार यानी विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं का, विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं का जो स्वैच्छिक आदान प्रदान किया जाता है यानी क्रय विक्रय किया जाता है, तो इस प्रक्रिया कहा जाता है ट्रेड, व्यापार कहते हैं। इसके अलावा बीमा, इसके अलावा बैंक सेवा, इसके अलावा चिकित्सा सेवा। तो ये जितनी भी सेवा है ये किस अंतर्गत आती है, तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद में आता है आपका चतुर्थ व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय आता है, चतुर्थ व्यवसाय। चतुर्थ व्यवसाय किसे कहते हैं, वह व्यवसाय जिसमें शारीरिक और मानसिक श्रम की जाती है, जिसमें शारीरिक और मानसिक श्रम की जाती है, तो उसे कहा जाता है कौन सा व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय। अब इसमें याद रखें, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इसमें आपको याद रखें सबसे पहले अध्यापक या शिक्षक लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आता है इसमें वो आता है आपके शिक्षक, शिक्षक। दूसरा इसमें आपको याद रखना है वो याद रखना है इसमें नाई, इसके बाद अगला याद रखना है धोबी, और इसके बाद अगला याद रखना है आया, आया। तो ये आपको इसमें याद रखना है सबसे पहले कि कौन सा आता है इसमें शिक्षक, यानी जो शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, वो मानसिक रूप से भी कार्य कर रहा है और इनके अलावा फिजिकल रूप से भी कार्य कर रहा है, शारीरिक रूप से, लेकिन जो कार्य है वो फिजिकल कार्य उसके लिए, और वो जो बोल रहे हैं उसको जो याद है वो मानसिक कार्य उसका। तो इसमें याद रखना आपको कि जो शिक्षक है वो किसमें आता है, अध्यापक किसमें आता है, चतुर्थ व्यवसाय में आता है। इसके बाद में नाई, ये भी किसमें आता है, चतुर्थ व्यवसाय में। इसके बाद में धोबी, ये भी किसमें आता है, चतुर्थ व्यवसाय। आया, जो मतलब कि शहरों के अंदर जो बालवाड़ी होती है, उस बालवाड़ी की जो अध्यक्ष होती है उसे आया कहते हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत आती है, चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद में आता है आपके पंचम व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय आता है, पंचम व्यवसाय। तो इसमें आपको चार व्यवसाय आपके समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में जो पांचवा व्यवसाय है, ये देखना आपको, पांचवा व्यवसाय वह व्यवसाय जिसमें उच्च तकनीकी और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, वह व्यवसाय जिसमें उच्च तकनीकी और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, वह व्यवसाय जिसमें उच्च तकनीकी और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पंचम व्यवसाय। तो इसमें आपको याद रखना सबसे पहले उदाहरण के तौर पर, सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। तो इसमें याद रखना सबसे पहले नंबर एक वैज्ञानिक, नंबर दो इसमें याद रखना है अभियंता, दो नंबर याद रखना आपको अभियंता, और नंबर तीन, नंबर इसमें तीन याद रखना अभिनेता, अभिनेता। इसके बाद में अगला याद रखना इसमें वो है अभिनेत्री, अभिनेता। बाद में अगला रखना है अभिनेत्री। इसके अलावा इसमें याद रखना है परामर्शदाता, तो अगला याद रखना है परामर्श, परामर्शदाता। इसके अलावा याद रखना इसमें वकील, वकील। इसके अलावा याद रखना इसमें वकील के अलावा विषय विशेषज्ञ, तो अगला याद रखना इसमें विषय विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ, तो विषय विशेषज्ञ। ये आपको इसमें नोट करना है, सबसे पहले वैज्ञानिक, दूसरा इसके बाद में अभियंता जिसको हम इंजीनियर कहते हैं हिंदी में अभियंता, अब इसके बाद में अभिनेता एक्टर, उसके बाद में एक्टर्स, इसके बाद में आता है आपके परामर्शदाता सलाहकार कह सकते हैं, इसके बाद में वकील एडवोकेट, और इसके बाद में आता है आपके विषय विशेषज्ञ, यानी कोई जो सब्जेक्ट होती है उस विशेष उसके पहचान रखने वाला या उसके प्रति पूरी जानकारी रखने वाला, उसको बोलते हैं विषय विशेषज्ञ। अब इसमें एक बार देखो वापस पुनः सारणी को देखते हैं, सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, वह व्यवसाय
जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भूमि पर्यावरण और कृषि से होता है, तो उसे कहा जाता है प्राथमिक व्यवसाय। अब प्राथमिक व्यवसाय में किसके शामिल किया जाता है, तो याद रखना आखेट, नंबर दो संग्रहण, नंबर तीन मछली पालन, नंबर चार कृषि, नंबर पांच पशुपालन, इसके बाद में खनन और लकड़ी काटना। तो ये सारे एक्टिविटीज किसमें आती है, प्राथमिक व्यवसाय में आती है। अब इसमें आपको देखिए याद रखने कि जो इसी पार्ट से दो अंक अंक आपको याद रखना इसमें कि अंक बार होता है दो, यानी दो नंबर के इस पार्ट से क्वेश्चन आपके बनते हैं और वही सारणी से ही बनता है। सारणी से क्या बनता है देखो, इसमें पूछ लेते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय की परिभाषा लिखते हुए दो एग्जाम्पल, ये ऐसे पूछ लेते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय दो उदाहरण बताइए, सेकंड व्यवसाय दो उदाहरण बताइए, इस प्रकार आपको दो अंक के नंबर पूछ जाते हैं, एक नंबर के सवाल पूछ जाते हैं। अब इसमें आपको याद रखना द्वितीय व्यवसाय, तो वह व्यवसाय जो प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं, तो उसे कहा जाता है द्वितीय व्यवसाय, और द्वितीय व्यवसाय में आता है विनिर्माण और उद्योग। अब इसके बाद में नंबर तीन आता है आपके तृतीय व्यवसाय, वह व्यवसाय जो द्वितीय व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तृतीय व्यवसाय कहते हैं। और तृतीय व्यवसाय में आता है आपके परिवहन, संचार, व्यापार, बीमा, बैंक, चिकित्सा आदि। अब इसके बाद में आता है आपके चतुर्थ व्यवसाय, तो वह व्यवसाय जिसमें शामिल लोग शारीरिक और मानसिक श्रम करते हैं, शारीरिक और मानसिक श्रम करते हैं, तो उसे कौन सा व्यवसाय कहते हैं, चतुर व्यवसाय कहते हैं। और चतुर व्यवसाय में शिक्षक, इनके अलावा नाई, धोबी और आया को शामिल किया जाता है। इसके बाद में आता है पंचम व्यवसाय, तो पंचम व्यवसाय किसे कहते हैं, वह व्यवसाय जिसमें उस तकनीकी और प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है, तो उसे कहते हैं पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय में वैज्ञानिक, अभियंता, इनके अभिनेता, अभिनेत्री, परामर्शदाता, वकील और विशेषज्ञ को शामिल किया जाता है। एक बार ये आपको सारे नहीं, ये वर्गीकरण पूरा याद रखना है। अब इसमें जो पाठ पढ़ाते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो इस चैप्टर में जो प्राथमिक व्यवसाय जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कि जो पहला आएगा आखेट, इनके बाद में संग्रहण, इसके बाद में मछली पालन, उसके बाद में कृषि, पशुपालन, खनन और लकड़ी काटना। इस प्रकार की जो अलग अलग एक्टिविटीज आएगी आपके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो व्यवसाय का वर्गीकरण पढ़ा, उस व्यवसाय के वर्गीकरण के बाद में पहला जो आता है आपके वो आता है आखेट। पहला याद रखना आपको आखेट। अब आखेट किसे कहते हैं, आखेट का मतलब होता है कि जो प्राचीन काल में मनुष्य अपनी उदर पूर्ति करने के लिए क्या करता था, कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक एक्टिविटीज करता था, तो उसे कहा जाता है जो आपके आखेट प्रक्रिया या प्राथमिक व्यवसाय। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको परिभाषा शुरू करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय याद करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, वह व्यवसाय जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भूमि, पर्यावरण और कृषि से होता है, तो उसे कहा जाता है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में आप याद रखना कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल होती है, तो याद रखना सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय में सबसे पहले एक्टिविटी शामिल होती है वो होती है आखेट। नंबर दो दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं संग्रहण। इसके बाद में तीसरा आप याद रखना है संग्रहण के बाद में तीसरा याद रखना है मछली पालन। उसके बाद में याद रखना आपको पशुपालन। तो अगला याद रखना है पशुपालन। और इसके बाद में छठा याद रखना आपको वो कृषि। और कृषि के बाद में याद रखना है लकड़ी काटना। तो लकड़ी काटना। और इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है वो याद रखना है खनन। तो ये आपकी गतिविधियां शामिल होती है। इसको एक बार याद करें पुनः, सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय, तो प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, पहला आता है आखेट, नंबर दो संग्रहण, और नंबर तीन मछली पालन, और उसके बाद में पशुपालन, और पशुपालन बाद में कृषि के बाद लकड़ी काटना, उसके बाद में खनन। इस प्रकार जो आपके चैप्टर पूरा होगा, एक बार इनको लिख ले या याद करें, सबसे पहले एक नंबर आखेट, नंबर दो संग्रहण, मछली पालन, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना और खनन।
अब इसको एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आखेट। कि आखेट किन क्षेत्रों में किया जाता है, इनके अलावा आखेट किसे कहते हैं, इनके अलावा वर्तमान में आखेट पर क्या है प्रतिबंध है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी नंबर एक, सबसे पहले शुरू करते हैं आखेट। आखेट, आखेट किसे कहते हैं, सबसे पहले नंबर एक देखते हैं आखेट किसे कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य अपनी उदर पूर्ति करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था, इस पर क्या कहा जाता है आखेट। और शिकार करने में जो बात करते हैं कि जो प्राचीन काल में जो मनुष्य शिकार करते थे, तो उन शिकार करने में किन किन का यूज किया जाता था, तो निकुले डंडे, इनके अलावा पत्थर के औजार, इनके अलावा विषाक्त बाणों का उपयोग करते थे किनको मारने के लिए, जो जंगली जानवर होते हैं उनको मारने के लिए। तो याद रखना आप कि आखेट किसे कहते हैं, कि आखेट वह प्रक्रिया है जिसमें प्राचीन काल में मनुष्य विभिन्न प्रकार के जो जंगली जीव जंतु होते थे तो उसको मारने की जो क्रिया होती थी या जो गतिविधि होती थी उसको एक आर्थिक गतिविधि उनके लिए कह सकते हैं, तो वो थी आखेट। और आखेट में याद रखना है कि जो जानवर होते थे उस जानवर को मारने के लिए निकुले डंडे, इनके अलावा पत्थर के औजार और इनके अलावा विषाक्त बाणों का उपयोग करते थे। अब इसमें याद रखना है अगला पॉइंट याद रखना सबसे आगे कि आखेट के क्षेत्र, यानी आखेट के क्षेत्र, तो आखेट के क्षेत्र और इनके अलावा जनजातियां, आखेट के क्षेत्र और इनके अलावा जनजातियां। अब इसमें देखो आखेट के क्षेत्र और जनजातियां, इसमें आप याद रखना है आखेट के क्षेत्र, आखेट के क्षेत्र एवं जनजातियां, आखेट के क्षेत्र एवं जनजातियां, आखेट के क्षेत्र एवं जनजातियां, ये आपको याद रखना है कि आखेट कहाँ कहाँ किया जाता है और किस जनजाति द्वारा किया जाता है। मैं आपको बता दूं जनजाति जो शब्द है उसका मतलब क्या है। जनजाति का मतलब होता है कि लोगों का लोग जो एक ऐसा समूह या समुदाय जिनकी रहन सहन, भाषा, वेशभूषा और खान पान अलग होता है, तो उसे कहा जाता है जनजाति। अब इसमें आप क्या रखना सबसे पहले एक नंबर पहला याद रखना आपको दूरवीय प्रदेश, दूरवीय प्रदेश, दूरी प्रदेश में आप क्या रखना है कि कौन सी जनजाति आकेट करती है, तो याद रखना है इसमें एस्किमो, एस्किमो जो आपने एस्किमो जनजाति जो दूरी प्रदेशों में निवास करती है और आखेट करती है, तो सबसे पहले याद रखना है कि दूरी प्रदेशों में कौन सी जनजाति आखेट करती है, तो इसमें आपको रखना है कौन सी जनजाति एस्किमो जनजाति। अब इसके अलावा इसमें दो नंबर ये याद कर सकते हैं कि कनाडा, कनाडा एवं टुंड्रा प्रदेश, कनाडा एवं टुंड्रा प्रदेश, तो कनाडा टुंड्रा प्रदेश में कौन जनजाति, तो इसमें भी क्या आएगा एस्किमो ही आएगा, एस्किमो जनजाति आएगा, एस्किमो जनजाति। अब इसके बाद में आपको पूछ लेते हैं इसमें दूसरा कि उत्तरी साइबेरिया, तीसरा आपको याद रखना है उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया, तो उत्तरी साइबेरिया में पूछ लेते कौन सी जनजाति है, तो इसमें याद रखना है समायोडस। और आपको मैंने बता दूं आपको सबसे पहले कि जो उत्तरी साइबेरिया जो ये एस्किमो जनजाति का ही भाग है, और इसके अलावा जो एस्किमो जनजाति उत्तरी साइबेरिया जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र विशेष में ही उत्तरी साइबेरिया में जो एस्किमो जनजाति उसको अलग नाम जानते हैं और उसका नाम है सेमायोडस, सेमायोडस, योडस, सेमायोडस। और समायोडस दूसरे इसके अलावा याद रखना है चंगची, चंगची। और इसके अलावा अगले याद रख सकते तुक, तुक लिख रख सकते हैं। और इसके अलावा और नाम याद रख सकते हैं याकूत, याकूत ये उपनाम है इसके। देखो सबसे पहले नंबर एक उत्तरी साइबेरिया में समायोडस, चंगची, तुक और याकूत, ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तरी साइबेरिया में आखेट करने वाली कोई दो जनजाति जनजाति कौन सी है, तो आपको याद रखना है समायोडस, चंगची, तुक और याकूत, ये सारे उपनाम है इसके। अब इसके बाद में चौथा, चौथा आपको याद रखना है कि कालाहारी मरुस्थल में जो मरुस्थली भाग होते हैं, मरुस्थल किसे कहते हैं, मरुस्थल का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र विशेष में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिस क्षेत्र विशेष में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे कहा जाता है डेजर्ट मरुस्थल। तो आपको याद रखना है इसमें जो कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल आपको याद रखना है। और कालाहारी मरुस्थल से पहले आपको एक बता दूं मैं आपको
कि विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो है सारा मरुस्थल, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और ये जो कलाहारी मरुस्थल है ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है उस अक्षांश में स्थित, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उस कलाहारी मरुस्थल में जनजाति जो आखेट करती है उसका नाम है बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको ये पूछ लेते हैं कि कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति, कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति द्वारा आखेट क्रिया संपन्न की जाती है या आखेट करने वाली जनजाति का नाम बताइए, तो उसमें आ गया आपके कलाहारी मरुस्थल। उसके बाद में पांचवा याद रखना है वो है कांगो बेसिन, अगला याद रखना है कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। तो कांगो बेसिन में आप क्या रखना है, जनजाति कौन सी आखेट करती है, तो याद रखना पिग्मी जनजाति, कौन जनजाति, पिग्मी जनजाति। इसके बाद में आपको याद रखना है मलाया प्रदेश, मलाया प्रदेश, तो इसमें मलाया प्रदेश में याद रखना है छठा मलाया प्रदेश, मलाया प्रदेश, और मलाया प्रदेश में आपको कौन सी जनजाति आखेट करती है याद रखना है, इसमें वो याद रखना है सेमांग और सकाई, तो याद रखना है पहला रखना है सेमांग और दूसरा याद रखना है सकाई, सकाई। इसके बाद में अगला याद रखना है अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, अमेजन, अमेजन बेसिन, तो अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति, तो अमेजन बेसिन में आपको याद रखेंगे, और अमेजन बेसिन में जो जनजाति है उसका नाम है जीवारो, जीवारो, नाम टाइप याद कर लेना जीवारो। और इसके बाद में जो अगला अगला पर्वतीय प्रदेश, आठ नंबर याद रखना है पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, तो पर्वतीय प्रदेश में जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं उसमें कौन सी जनजाति आखेट करती है, तो याद रखना भील और मीणा, भील और इनके अलावा मीणा जनजाति, और मीणा जनजाति राजस्थान के अभी वर्तमान में सबसे बड़ी शिक्षित जनजाति है। इसके बाद में नंबर नो, नंबर नो इसमें याद रखना आपको वो है मध्य स्टेपी मैदान, मध्य, मध्य स्टेपी मैदान, यानी मध्य एशिया का स्टेपी मैदान कह सकते हैं, तो मध्य स्टेपी मैदान, और मध्य स्टेपी मैदान में कौन सी जनजाति, तो इसमें मध्य स्टेपी मैदान जनजाति अगला याद रखना इसमें वो है किर्गी जनजाति, किर्गीजी जनजाति। इस प्रकार आपको एक बार पुनः बता रहे, इनके अलावा और भी आप लिख सकते हैं दस नंबर, और वो लिख सकते हैं इसमें पठारी प्रदेश, तो इसमें आएगा आपके पठारी प्रदेश में गोंड संताल और बद्दू जनजाति, तो इसमें याद रखना है वो है आपके पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश, और पठारी प्रदेश में कौन जनजाति और रखा जाता है, तो इसमें याद रखना आपको गोंड जनजाति, तो पहला याद रखें इसमें गोंड जनजाति, और इनके अलावा याद रखना है संथाल जनजाति, और गोंड जनजाति भारत का और विश्व में सबसे बड़ा जनजाति समूह है वो गोंड जनजाति का है, और राजस्थान की बात की जाए तो वो है आपके भील जनजाति का। अब उसके बाद में गोंड के बाद में रखने एक बात और आती है इसमें, वो है बद्दू जनजाति। तो एक बार इसको पुनः रिपीट करते हैं, नोट्स बनाइए साथ साथ। सबसे पहले आखेट, आखेट किसे कहते हैं, प्राचीन काल में मनुष्य, प्राचीन काल में मनुष्य विभिन्न प्रकार अपनी उदर पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के जो जंगली जीव जंतु थे उसके क्या करते थे, शिकार करते थे और उसको मारते थे, और मारने के बाद में उस जो खाने के रूप में उदर पूर्ति रूप में उपयोग किया जाता था वो प्रक्रिया कहलाती आखेट। और आखेट में प्राचीन काल में, आखेट में प्राचीन काल में जो जीव जंतु होते थे उसको मारने के लिए, उनको मारने के लिए जो हथियार की बात करें तो निकुले डंडे, विषाक्त बाणे और इनके अलावा पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। अब किन किन शत्रु करते थे तो उसके बारे में देखते हैं, और किन किन शत्रु अभी वर्तमान में किए जाते हैं, तो दूरी प्रदेश, तो दूरी प्रदेश में एस्किमो जनजाति, और एस्किमो मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला। अगला इसमें याद रखना है कनाडा और टुंड्रा प्रदेश, इसमें भी एस्किमो आएगा। और इसके अलावा उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया में समावेडस, चकती, तुकोर, याकूत। इसके बाद में कलाहारी मरुस्थल, कलाहारी डेजर्ट, इसमें आएगा आपको याद रखना है उसमें जनजाति। और इसके बाद में कांगो बेसिन, यहाँ पर आएगा पिग्मी जनजाति। इसके बाद में मलाया प्रदेश, और मलाया प्रदेश में आएगा आपके वो आएगा सेमांग और सकाई जनजाति। छह नंबर आपको याद रखना है इसमें मलाया प्रदेश, और मलाया प्रदेश में कौन जनजाति है, तो इसमें याद रखना है सेमांग और सकाई जनजाति।
अब इसके बाद में आता अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन में आप क्या रखना, जीवारो। तो इसमें अमेजन बेसिन में यह रखना कि जीवारो जनजाति क्या करती है, आखेट करती है। अब इसके बाद में अगला रखना पर्वतीय प्रदेश। तो पर्वतीय प्रदेश में आप यह रखना भील और मीणा जनजाति। इसके बाद में मध्य स्टेपी मैदान, यानी मध्य एशिया का स्टेपी मैदान। तो मध्य एशिया का जो स्टेपी मैदान है उसमें कौन जनजाति, तो आपको याद रखना है इसमें किर्गिज जनजाति। यहाँ आपको याद रखना है किर्गिज जनजाति, किर्गिज जनजाति। इसके बाद में याद रखना है कि जो पठारी प्रदेश है, तो पठारी प्रदेश में कौन जनजाति, तो इसमें याद रखना है आपको गोंड, संताल या कह सकते हैं बद्दो जनजाति। ये इस प्रकार आपको याद रखना है आखेट के बारे में, यानी आखेट जो प्रक्रिया है उसके बारे में याद रखना है। सबसे पहले आखेट प्रक्रिया के क्षेत्र की दूरी प्रदेश एस्किमो, कनाडा और टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो, उत्तरी साइबेरिया में समायोडस्ट, चगचेतुक और याकूत, कालारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, इनके अलावा कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति, मलय प्रदेश में सिमांग सकाई जनजाति और अमेजन बेसिन में जीवाणु जनजाति, और पर्वतीय प्रदेश है उसमें भील और मेढा जनजाति, और मध्य स्टेपी मैदान उसमें किर्गिज जनजाति, और पठारी प्रदेश उसमें गोंड, संताल और इनके अलावा बद्दू जनजाति। अब इसके बाद में टॉपिक नंबर दो, प्राथमिक व्यवसाय का जो दूसरा उदाहरण है वो आपको यहाँ भी मैंने बताया था सारणी के अंतर्गत। दूसरा व्यवसाय इसका आप आता है वो आता है संग्रहण। सेकेंड जो आता है उसमें उसको कहते हैं संग्रहण। दूसरा याद रखें इसमें वो याद रखेंगे आप संग्रहण। संग्रहण कैसे कहते हैं, तो इसमें आपको सेकेंड याद रखें वो है संग्रहण। अब संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित करना, कलेक्टिंग करना। कलेक्टिंग का मतलब होता है कि जो प्राचीन काल में और वर्तमान में भी ये प्रक्रिया जो कुछ प्रदेश है यहाँ पर जारी है इसमें, तो इसमें जो संग्रहण का मतलब होता है कि प्राचीन काल में जो मनुष्य द्वारा कंदमूल, जंगलों से जड़ी बूटियां, इनके अलावा पत्ते और इनके छाल ये एकत्रित करते थे, और इनके अलावा जो औषधियां होती थी वो भी क्या करते थे, एकत्रित करते थे, और इसके माध्यम से क्या अपना जीवन यापन करते थे, तो उस प्रक्रिया का कहलाता है संग्रहण। अब इसमें अगला याद रखना है संग्रहण में पूछा जाएगा आपको संग्रहण के क्षेत्र। तो अगला याद रखना है संग्रहण के क्षेत्र, संग्रहण के क्षेत्र याद रखें आप। संग्रहण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले आप याद रखें कि नंबर एक याद रखें मलया प्रदेश। नंबर एक पहले याद रखें मलया प्रदेश, और मलया प्रदेश अभी मैंने आपको बताया था कि कौन से जनजाति आखेट करती है, तो समा और सकाई। उसी प्रकार यहां पर यह कौन सा सकाई और सेमांग, तो ये करती है आपके संग्रह। नंबर दो इसमें याद रखना है कि जो अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन तो अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति, तो यह इसमें आपके रखना है वो आपको बोरो जनजाति। कौन जनजाति, बोरो जनजाति, तो इसमें रखना है आपको बोरो जनजाति। इसके बाद में तीसरा आपको क्या रखना है इसमें, अभी मैंने बताया था कालारी मरुस्थल, तो यहाँ रखें इसमें नंबर तीन इसमें रखें आपको कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल में कौन जनजाति, अभी मैंने बताया था आकेश कौन जनजाति करती है, तो इसका याद रखना नाम बुशमैन, तो इसमें भी याद रखना आपको बुशमैन जनजाति। इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी आपको मैंने बताया था पर्वतीय प्रदेश। चौथा आप क्या रखना है पर्वतीय प्रदेश, तो पर्वतीय प्रदेश। और पर्वतीय प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश में कौन, अभी मैंने बताया था पर्वतीय प्रदेश में, तो भील और मीणा जनजाति, तो इसमें आप याद रखें भील और मीणा जनजाति। इसके बाद में पठारी प्रदेश, अगला याद रखना इसमें पठारी प्रदेश, तो पांच नंबर याद रखें इसमें वो याद रखें पठारी प्रदेश, तो पठारी प्रदेश नाम याद रखें। अब पठारी प्रदेश में कौन सी जनजाति, तो पठारी प्रदेश में आपको याद रखना कौन सी जनजाति है, तो बद्दू, गोंड, संताल ये आपको याद रखने। तो याद रखें इसमें पहले याद रखना है गोंड जनजाति, नंबर दो इसमें याद रखना है संताल जनजाति, और नंबर तीन याद रखना आपको वो बद्दू जनजाति। इस प्रकार आपको इसमें याद रखना है क्षेत्र। और इनके अलावा एक और पूछ लेता हूं आपको, 6 नंबर याद रखना है मध्य एशिया का स्टेपी मैदान, या मध्य एशिया या स्टेपी मैदान कह सकते हैं, तो मध्य एशिया का
स्टेप जो मैदान है उसमें कौन सी है, तो वो भी वापस आपको याद रखना है, किर्गिज। कौन सी? किर्गिज। एक बार इसको लिख ले और देख ले। देखो सबसे पहले संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र, और संग्रहण में क्षेत्र में सबसे पहले एक नंबर मलया प्रदेश, और मलया प्रदेश में सकाई और सेमांग जनजाति, उसके बाद में अमेजन बेसिन, और अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति, इसके अलावा कालारी मरुस्थल, तो कालारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, इसके बाद में पर्वतीय प्रदेश, और पर्वतीय प्रदेश में भील और मीणा जनजाति के नंबर आता है, इसके अलावा पठारी प्रदेश, और पठारी प्रदेश में गोंड जनजाति, संताल और बद्दू जनजाति, और इसके बाद मध्य स्टेपी मैदान इसमें आता है किर्गिज जनजाति। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो सवाल किस प्रकार पूछते हैं, एक नंबर का सवाल पूछते हैं कि कौन सी अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति द्वारा संग्रहण प्रक्रिया संपन्न की जाती है, तो इसका आप आंसर लिखेंगे बोरो जनजाति। क्या आंसर लिखेंगे? बोरो जनजाति आंसर लिखेंगे। एक बार इसको देख लें और नोट्स बना लें इसके साथ साथ। नंबर तीन, तीसरी जो आपने अभी एक्टिविटी पढ़ी थी वो पढ़ी थी मछली पालन। तीसरी जो आपने एक्टिविटी पढ़ी उसका नाम है मछली पालन। तो तीसरी एक्टिविटी पढ़ना आपको वो याद रखना है, तीन नंबर मछली पालन, मछली पालन कार्य। तीसरा मछली पालन, मछली पालन का मतलब होता है कि प्राचीन काल में और वर्तमान में भी जो समुद्री तटीय क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, किनका आसपास रहते हैं, समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं उसके जो आसपास रहते हैं, तो उस क्षेत्रों में जो बड़े तालाब और छोटे क्षेत्र होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है और इसके माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसे कहा जाता है मछली पालन कार्य। अब इस मछली पालन कार्य में आपको, और मछलियों पालन क्यों करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो मछली पालन क्यों करते हैं, मछली पालन क्यों करते हैं, मछली पालन अपनी मछलियों से चमड़ा प्राप्त हो जाता है, इसके अलावा तेल प्राप्त हो जाता है, और इनके अन्य जो औषधियां प्राप्त होती हैं, ये सारी प्रक्रिया होने के कारण से क्या किया जाता है प्राचीन काल में और वर्तमान में क्या किया जाता है, मछली पालन किया जाता है। और वर्तमान आपको पता होना चाहिए जो गुजरात सौराष्ट्र तट है, गुजरात में सौराष्ट्र तट है, वहां पर मछलियों से मोती प्राप्त किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके माध्यम से जो मोती प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं, जो आपके कल्चरल के रूप में, कृषि के रूप में उसको विकसित किया गया है, तो वो आपके याद रखना है इसमें मछली पालन। तो यहाँ पर आपको जाएगा कि विश्व में विश्व पढ़ रहे हैं सब चीजें अभी, तो विश्व में आपके याद रखना है विश्व में मछली पालन के प्रमुख क्षेत्र। अब इसमें आ गए कौन कौन क्षेत्र हैं, तो विश्व मछली पालन के क्षेत्र में आपको याद रखना है उत्तरी प्रशांत महासागर। तो नंबर एक याद रखें उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। आपको पता होना चाहिए जो प्रशांत महासागर है इधर भी विस्तार है और इधर भी विस्तार, इसमें जो बीच में रेखा है कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, इससे ऊपर का भाग उत्तरी प्रशांत महासागर कहलाता है और नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर कहलाता है। अब इसमें अगला याद रखना है नंबर दो इसमें याद रखना है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रदेश, याद रखना दूसरा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रदेश। उत्तरी अटलांटिक मैं आपको बता दूं जो चार महासागर हैं उनमें सबसे पहला नंबर एक, पहला नंबर पर आता है वो किसका नंबर आता है, पहला नंबर आता है प्रशांत महासागर का, सेकंड आता है अटलांटिक महासागर का, थर्ड स्थान आता है वो आता है हिंद महासागर, और चौथा स्थान है वो आपके आर्कटिक महासागर। यानी जो चार जो महासागर उसमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और उसके बाद में सबसे छोटा है वो है आपके आर्कटिक महासागर। अब इसमें आपको देखना है सबसे पहले इनके अलावा नंबर तीन इसमें याद रखना है अमेरिका का तटीय प्रदेश। अमेरिका का तटीय प्रदेश मतलब जो आप विश्व जो नक्शा में देखते हैं, तो यहाँ पर जो अमेरिका जो क्षेत्र है, यहाँ जो अमेरिका के जो क्षेत्र है इसमें जो आपको याद रखना है कि अमेरिका के जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो तटीय प्रदेश है, जो यहाँ के आसपास क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है मछली पालन का कार्य किया जाता है अमेरिका का तटीय प्रदेश। और चौथा इसमें याद रखना है वो रखना है जापान सागर,
एक सागर, उसका नाम याद रखना आपको, जापान सागर, जापान सागर। इसका नाम याद रखना चीन सागर, चीन सागर। तो ये पांच याद रखना है, चीन सागर। इसका नाम याद रखना आपको बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। तो छह नंबर याद रखना है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। इस प्रकार आपको याद रखना है। सबसे पहले नंबर एक, वापस शुरू से देखते हैं लास्ट तक। सबसे पहले इसमें आ रखे हैं विश्व मछली पालन, विश्व में मछली पालन कहाँ कहाँ याद है, ये कंपटीशन में किसी पूछा सकता है। और जो ट्वेल्थ क्लास के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए मोस्ट ये याद रखना कि विश्व में मछली पालन के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कौन कौन से है, नाम बताइए। तो उत्तरी प्रशांत महासागर, उसके बाद में उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रदेश, इसके बाद में अमेरिका का तटीय प्रदेश, और इसके बाद में जापान सागर, इसके बाद में चीन सागर और बाल्टिक प्रदेश या बाल्टिक सागर। अब ये आप इसमें याद रखना है कि जो विश्व में इस प्रकार जो ये क्षेत्र हैं, इस क्षेत्रों में क्या किया जाता है, मछली पकड़ने का कार्य संपन्न किया जाता है। अब इसके बाद में ये आपकी तीसरी एक्टिविटी हो गई। चौथी जो अभी मैंने एक्टिविटी बताई थी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत उदाहरण बताया था, वो था पशुपालन, पशुपालन। और ये आपके परीक्षा में इससे रिलेटेड चार नंबर क्वेश्चन आता है। चार नंबर क्वेश्चन क्या आता है, देखो चार नंबर क्वेश्चन आता है कि विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र या पशुपालन किसे कहते हैं, पशुपालन का वर्गीकरण कीजिए, पशुपालन कितने प्रकार के होते हैं, या ये सब पूछा जाता है परीक्षा प्रश्न कि जो पशुपालन में या पशुपालन की परिभाषा लिखते हुए चलवासी प्रसारण और वाणिज्य पशुपालन की जो विशेषता है उनको प्रकट कीजिए, उनको समझाइए। या कभी कभार पेपर विशेषता या पॉइंट आपको दे दिए जाते हैं कि इन पॉइंटों आपको चर्चा करनी है, जैसे क्षेत्र दे दिया, विशेषता दे दी, इस प्रकार आपको चर्चा करनी होती है इस पॉइंटों पर। तो तीसरा, इसके बाद में जो चौथा जवाब क्या रखना है इसमें, वो चौथी जो आपकी एक्टिविटी है उसमें वो आपके पशुपालन, पशुपालन, पशुपालन। अब पशुपालन किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं पशुचारण, पशु चारण भी कह सकते हैं, पशु चारण या पशु पालन। किसे कहते हैं पशुपालन, पशुपालन का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था खेत संग्रहण पर क्या बताई थी, तो इसमें आपको रखने की प्राचीन काल में मनुष्य, प्राचीन काल में मनुष्य जो जीव जंतुओं को मारता था, तो उन्होंने सोचा कि यदि इस प्रकार जीव जंतुओं को मारेंगे तो एक दिन आने वाले समय में जो जीव जंतु पूरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उसका बौद्धि विकास हुआ, और बौद्धि विकास साथ साथ उन्होंने कुछ पशुओं को पालतू बनाया या उसको पालना शुरू कर दिया, और उसे क्या नाम दिया था, पशुपालन। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पशुपालन किसे कहते हैं, प्राचीन काल में मनुष्य जो पशुओं का आखेट करता था, तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि यदि इसी प्रकार पशुओं का आखेट या शिकार करते रहेंगे तो पशु समाप्त हो जाएंगे समय के साथ में। तो उन्होंने कुछ पशुओं को जो क्षेत्र विशेष के क्षेत्र क्षेत्र में जो निवास करते थे पशु, उसको क्या बनाया, उन्होंने पालतू बनाया, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। अब पशुपालन में आप क्या रखना है, पशुपालन के दो प्रकार होते हैं, पशुपालन कितने प्रकार होते हैं, दो, इसको याद रखें आप। पशुपालन के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, पशुपालन के दो प्रकार होते हैं, एक तो याद रखना है चलवासी, चलवासी पशुचारण। तो पहला याद रखना है चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। इसके बाद में नंबर दूसरा, ये हो गया एक नंबर, और नंबर जो दूसरा है वो याद रखना आपको वाणिज्य पशुचारण, वाणिज्य पशुचारण। तो वाणिज्य पशुचारण, पहला कौन सा हो गया आपके, वो हो गया चलवासी पशुचारण, और दूसरा कौन सा होता है, वाणिज्य पशुचारण। ये आपके दो प्रकार होते हैं, किसके हैं, पशुपालन के। अब इसमें देखो चलवासी की क्या विशेषता है, चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इनके अलावा जो दूसरा था आपके वाणिज्य, यानी ये किन क्षेत्रों में किया जाता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया या पशुचारण की वह प्रक्रिया जिसमें जनजाति द्वारा पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भ्रमण करते हैं पशुचारक पशुओं के साथ में, तो इस प्रक्रिया कहते हैं चलवासी पशुचारण। इसमें पशुओं की संख्या निश्चित नहीं होती है, इनके अलावा सुविधा में क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, विशेषता बात करेंगे हम, और इनके अलावा जनजाति कौन कौन सी है, उनके अलावा क्षेत्र कौन कौन से, बारे में बात की जाएगी। यहाँ चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, कि जो प्राचीन काल में वर्तमान में जो जनजातियां हैं
वो जनजाति क्या करती है, पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करते हैं, मतलब की ले जाते हैं। जैसे मान लो जैसे घास का जो स्थान होते हैं, एक स्थान पर जो घास समाप्त हो जाता है तो उसके बाद दूसरे स्थान पर उसको लेकर जाता है और वहीं समाप्त हो जाता है उसको दूसरे स्थान पर वापस ले जाता है। जैसे जो आपके मैदानी प्रदेश से घास समाप्त हो जाए पर्वतीय प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश से घास समाप्त हो जाए उसके बाद में मैदानी प्रदेश इस प्रकार रूटीन करवाते हैं तो वो जलवाष्प प्रसारण में आते हैं। अब इसमें आप क्या रखने, जलवाष्प प्रसारण की विशेषताएं, जलवाष्प प्रसारण की विशेषताएं साथ साथ आप नोट्स पढ़ा जाना और लिख जाना। अब इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले जलवाष्प प्रसारण में याद रखना है कि इसमें एक नंबर याद रखना है, पशुओं की संख्या निश्चित नहीं होती है, पशुओं की संख्या निश्चित नहीं होती है। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं पॉइंट, पशुओं की संख्या निश्चित नहीं होती है। अब इनके अलावा दूसरे याद रखना है कि जो सुविधा है उस सुविधा का पाया जाता है अभाव, सुविधा का अभाव पाया जाता है। इसमें भेड़ बकरी घोड़े ऊंट पाले जाते हैं, इसमें भेड़ बकरी ऊंट एवं घोड़े पाले जाते हैं, यह आपको याद रखना है इसमें पशु। अब इसमें अगला याद रखना है कि इसमें जो जलवाष्प प्रसारण होते हैं उसकी संपत्ति वो पशु ही होते हैं, तो इसमें याद रखना है संपत्ति या मुख्य जो संपत्ति होती है वो क्या होता है, उनके पशु होते हैं। अब इनके अलावा विशेष बात है वो याद रखना पांच नंबर कि जो जो जलवाष्प प्रसारण होते हैं वो करते हैं ऋतु प्रवास, क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। अब यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, तो ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है, ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि गर्मी जब होती है तो उस समय मैदानी भागों से पर्वतीय भागों की ओर और जो सर्दी होती है तो पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर पशुओं को जो जलवाष्प प्रसारण होते हैं तो उस पशुओं के साथ क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं या पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास प्रक्रिया में जब भी सर्दी की जो ऋतु होती है उस समय पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर और जब गर्मी होती है तो उस समय मैदानी भागों से पर्वतीय भागों की ओर क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया कहा जाता है ऋतु प्रवास, क्या कहा जाता है, उससे ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो इसमें ये क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। अब इसके अलावा एक और आपको बता दूंगा फैक्ट, वो ये है कि ऋतु प्रवास सवाल पूछा था आपको कि जलवासी प्रसारण करने वाली, जलवासी पशु चारण करने वाली जनजातियों के नाम बताओ, जलवासी पशु चारण करने वाली जनजातियों के नाम बताइए। तो इसमें आपको चार नाम याद रखने हैं, सबसे पहले नंबर एक पहला याद रखना है गुज्जर, दूसरा इसमें याद रखना आपको वो है आपके बकरवाल, गुज्जर और बकरवाल, इसके बाद में तीसरा याद रखना आपको गद्दी और इसके बाद में चौथा याद रखना है वो है भूटिया, कौन सा याद रखना है, भूटिया। इस प्रकार आपको याद रखना है जलवासी प्रसारण के बारे में डिटेल से याद रखना है। अब इसके बाद में आता आपको कौन सा, वाणिज्य प्रसारण, इससे पहले आपको बता दूं कि ये कहां कहां किए जाते हैं, इसमें जो मुख्य विशेषता आप इसमें किन किन क्षेत्रों में ये किया जाता है, तो उसके क्षेत्र एक बार इसको नोट कर लें, उसके बाद में आपको क्षेत्र बता दूं कि किन किन क्षेत्रों में ये किया जाता है जलवासी प्रसारण। जलवासी प्रसारण किया जाता है वैसे आपको याद रखना है एशिया में कहां कहां किया जाता है, एशिया महाद्वीप में याद रखना है, एशिया में और एशिया क्षेत्र में आप याद रखना, एशिया महाद्वीप क्षेत्र में इराक, ईरान, इनके अलावा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इनके अलावा जो अलग से याद रखना है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, तो ये इन क्षेत्र जितने भी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, जलवासी प्रसारण किया जाता है, तो ये आपको रखना है क्षेत्र। अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं वो कौन सा आपके
वो है चलवासी प्रसरण के बाद में दूसरा आपको रखना है वाणिज्य प्रसरण। कौन सा है? वाणिज्य प्रसरण। अब वाणिज्य प्रसरण क्या होता है? देखो वाणिज्य प्रसरण का मतलब क्या होता है कि इसमें तो आपने पढ़ा था कि चलवास प्रसरण में पशु संख्या निश्चित नहीं होती है, और ये है कि मतलब कि चलवास प्रसरण में जो पशु होते हैं वो उनकी संपत्ति स्वयं होते हैं, इनके अलावा एक दूसरे स्थान भ्रमण करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग से है। अब इसमें क्या देखूं कि वह प्रसरण प्रक्रिया जिसमें पशु संख्या निश्चित होती है और ये अधिक पूंजी प्रदान एक व्यवसाय होता है, यानी एक बिजनेस की तरह होता है इस प्रकार, तो ये आप क्या रखना है, वो है आपके वाणिज्य प्रसरण। वह प्रक्रिया या पशुपालन की वह प्रक्रिया जिसमें उस तकनीकी अधिक पूंजी और एक पूंजी प्रदान या एक प्रबंध व्यवस्था संबंधी या प्रबंध स्वरूप जो पशुओं को पाला जाता है, तो उसे कहा जाता है वाणिज्य प्रसरण या वाणिज्य पशुपालन। अब इसके क्या क्या विशेषता होती है, कहाँ कहाँ किया जाता है, किन देशों में किया जाता है, तो इसके पहले आपको मैं विशेषता बात कर लूँ, उसके बाद मैं क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर और इसमें ये आप जनजातिगत ये व्यवसाय जो जनजाति करती है और ये व्यवसाय जनजातियां नहीं करती है, जो विकसित जो कंट्रीज हैं उनमें किया जाता है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या विशेषता है इसकी, पहली विशेषता है कि पशुओं की संख्या निश्चित होती है, पशुओं की संख्या निश्चित होती है, निश्चित होती है, तो पशुओं की संख्या क्या होती है निश्चित होती है। नंबर दो इसमें आ रखना है कि इसमें पशुओं के लिए छप्पर की व्यवस्था होती है, छप्पर की व्यवस्था होती है। इसके बाद में नंबर तीन इसमें याद रखना है कि ये पूंजी प्रदान व्यवसाय है। कैसा व्यवसाय है? पूंजी प्रदान व्यवसाय है। तो अगला याद रखना है पूंजी प्रदान व्यवसाय है। इसके बाद में तीसरा और चौथा है इसमें प्रबंध की उचित सुविधा होती है, प्रबंध होता है। इसके अलावा पांचवा इसमें याद रखना है कि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नंबर छह इसमें यह रखना है कि पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाता है, तो यह रखना है पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा इस व्यवसाय में जो प्रसरण प्रक्रिया में जो भी दुग्ध प्राप्त होता है, इनके अलावा जो जितने भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों को डिब्बा बंद करके विश्व के जो अलग जो कंट्रीज है उसमें निर्यात किया जाता है। इसके अलावा इसमें यह रखना है कि जो सात नंबर वो इसमें रखना है कि इसमें जो पशु होते हैं उसमें जो गर्भ संबंधी जो भी मतलब की निश्चित प्रक्रिया होती है, इस पर भी क्या दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। अब इसमें आप रखना है क्षेत्र, किसके क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, वाणिज्य प्रसारण के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इधर वाला आप याद रखना है इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सारा मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन क्षेत्र है, यहाँ देखो यहाँ जो क्षेत्र याद रखना आपको मैंने पहले से बता दी कि जो विकसित कंट्रीज है उसमें क्या जाता है इस प्रकार व्यवसाय, तो सबसे पहले याद रखना है कनाडा। नंबर दो याद रखना है इसमें वो ऑस्ट्रेलिया, नंबर दो ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा याद रखना है अर्जेंटीना, तो तीन नंबर याद रखना है वो है अर्जेंटीना। इसके अलावा याद रखना है न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना के अलावा रखना है इसमें न्यूजीलैंड। तीसरा चौथा इसमें रखना है न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के अलावा पांचवा रखना है डेनमार्क। इस प्रकार आपको याद रखना है कि वाणिज्य प्रसारण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वाणिज्य प्रसारण के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो पहला कौन सा है कनाडा, नंबर दो दूसरा कौन सा है ऑस्ट्रेलिया, नंबर तीसरा अर्जेंटीना, उसके बाद में न्यूजीलैंड और उसके बाद में डेनमार्क। तो ये क्षेत्र है, यहाँ पर इनके अलावा और भी लिख सकते हैं स्वीडन, याद रख लेना आप स्वीडन, और इसके अलावा नीदरलैंड जो पहले इसका नाम हॉलैंड था, तो उसमें भी क्या था इस प्रकार का व्यवसाय जिसको कहते हैं नीदरलैंड, और प्राचीन समय उसका नाम था
हॉलैंड। तो ये आप याद रखना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नीदरलैंड, इन क्षेत्रों में किया जाता था वाणिज्य प्रसारण वर्तमान में किया जाता है और पहले प्राचीन काल से लगभग किया जाता है। तो इसमें पेशिक अधिक आवश्यकता और इसमें पेशिक अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार आपको याद रखना है प्रश्न, आपको मैंने पूरा डिटेल समझा दिया, नोट्स आप बढ़ता जाना। अब इसमें याद रखना आपको प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न ये हो जाएगा पशु चारण की परिभाषा लिखते हुए चलवाज प्रसारण और वाणिज्य प्रसारण में अंतर स्पष्ट कीजिए या इनकी विशेषता बताइए, ये क्षेत्र का नाम दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो मैंने डिटेल से बताया है उसी प्रकार आपको लिखना है।